हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज ही 21 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो आज 21 सितंबर, तो चलिए आज करंट अफेयर्स देखते हैं। और सभी एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए करंट अफेयर डेली बेस पर पढ़ा करिए। और आपके चाहे SSC, रेलवे, UPSC, PSET, सेंट्रल और चाहे स्टेट का हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो जो कि कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका मुंबई, गांधीनगर, नई दिल्ली या डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में गांधीनगर, तो गांधीनगर कहाँ है? तो आपके गुजरात में है गांधीनगर। तो यहाँ पे 12वां डिफेंस आपके जो है यहाँ पे एक्सपो को उद्घाटन किए हैं डिफेंस यहाँ पे, जो कि यहाँ 12वां संस्करण के यहाँ पे डिफेंस एक्सपो यहाँ पे शुरू हुआ है गांधीनगर। तो गांधीनगर कहाँ है? आपके गांधीनगर में है, आपके सॉरी गुजरात में है गांधीनगर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका शिमला, भोपाल, दुबई, डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुबई। तो हाल ही में 22वां जो विश्व आपका ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आपके दुबई में यहाँ शुरू किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके जो विश्व ब्लॉकचेन शिखर यहाँ क्या है, तो आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ जो विश्व जो ब्लॉकचेन है यहाँ जो कि विश्व जो कि यह शिखर सम्मेलन का 2022 का संस्करण है। तो यहाँ आपके अटलांटिक द पाम में इसमें जो कि हो रहा है अटलांटिक द पाम में जिसको आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ जो कि वैश्विक स्तर में जो कि आपके जो ब्लॉकचेन है यहाँ पारिस्थितिक तंत्र की सबसे विशिष्ट जो कि स्वभाव में से एक है। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र की सबसे विशिष्ट स्वभाव में से एक है आपका ब्लॉकचेन। तो कहाँ सम्मेलन हो रहा है? तो आपके दुबई में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो हाल ही में जो इसके जो मुख्यमंत्री है सर जो सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन कहाँ के? तो असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे सरकारी जो अंग्रेजी मीडियम कॉलेज के यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पे त्रिपुरा में जो कि सरकारी जो कि अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा, तो यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री, सत्यदेव आर्य वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पे त्रिपुरा में जो कि मीडियम अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका अवंतिका जोशी, मृणालिनी सिंह या आपका बारबरा मेटकॉफ या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आपके इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके बारबरा मेटकॉफ को यह पुरस्कार जो कि सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार जो कि इससे सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार मुख्य रूप से जो कि अमेरिकी आपके इतिहासकार हैं सर सैयद उत्कृष्टा के पुरस्कार से जो कि इसको सम्मानित किया जाता है। तो जो आपके सर सैयद जी हैं जो कि यह महान अमेरिकी इतिहासकार हैं, तो ये जो कि इस क्षेत्र के लिए जो कि बारबरा मेटकॉफ को दिया जा रहा है। तो यह पुरस्कार जो कि आपके मुस्लिम धर्म पॉपुलेशन के जो कि अध्ययन के लिए यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम जो धर्म के अध्ययन के लिए उनको आपके बारबरा मेटकॉफ को आपके सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 2022 के लिए। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन बारबरा मेटकॉफ, याद रखिए इनको, नाम एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जेवलिन थ्रोवर DEP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक कौन से पदक जीता है? तो कांस्य, स्वर्ण, रजत, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आपका जो जेवलिन थ्रोअर है इनको जो कि DP मनु ने जो कि नेशनल ओपन एथलेटिक्स इसमें इस चैम्पियनशिप में एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो आपका जेवलिन थ्रोअर है आपके DP मनु जी, तो इसको नेशनल ओपन एथलेटिक में इनको स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है DP मनु किस खेल से संबंधित है, याद रखिए जेवलिन थ्रोअर है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आदर्श कुशवाहा, अरुण बंसल, आपका पार्थ सतपथी या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण बंसल जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए इनको CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए अरुण बंसल, तो इनको CEO के रूप में नियुक्त किया है आपके आपके अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के रूप में। तो इसका भी ऑप्शन अरुण बंसल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में 2022 का बैलोंडी पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका करीम बेंजमा, आपका लेक्सिया पुटेलस, उपयुक्त तो दोनों या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करीम बेंजमा, आपका एलेक्सिया पुटेलस। 2022 के लिए इनको बैलेंडी पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो आपका जो बैलेंडी पुरस्कार है मुख्य रूप से यहाँ आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, जिसमें आपका क्या जो आपका रोनाल्डो, लियोन मेसी, जो कि ये सब महान जो कि फुटबॉलर हैं, तो इसको आपके 1950 में इसको लाया गया बैलेंडी पुरस्कार को, 1950 में, जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में बैलेंडी पुरस्कार दिया जाता है। इस 2022 के लिए आपके करीमा बेंजेमा, एलेक्सिया पुटेलस को 2022 के लिए बैलेंडी पुरस्कार इन दोनों को दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, बैलेंडी पुरस्कार आपके फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाते हैं पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट कहाँ उद्घाटन किया जा रहा है? तो गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन आपके पंजाब में किया जा रहा है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चरणजीत सन्नी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ उद्घाटन किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा? तो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में बांग्लादेश में, तो यहाँ पे जो कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू जो कि हुआ है बांग्लादेश में। तो यहाँ पे बात करते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है, आपके कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है, यहाँ की टका है, करेंसी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए यहाँ की करेंसी क्या है, तो टका के नाम से जाना जाता है। यहाँ के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हाल ही में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ जो कि शुरू किया गया है? तो आपके बांग्लादेश में किया है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दिनेश कुमार भारतीदास, मोहित भाटिया, डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीदास को जो कि लेखा महानियंत्रक के रूप में उनको जो कि पद संभाला इन्होंने। तो याद रखिए, अब जो कि हमारे भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक रूप में किसने पद संभाला है, तो आपके भारतीदास को याद रखिएगा, एग्जाम में बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपका निहोन्सु के लिए जो कि GI टैग पालने के लिए आवेदन किया है? तो चीन, इटली, जापान, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जापान ने जो निहोन्सु के लिए जो कि GI टैग पाने के लिए आवेदन यहाँ पे किया है जापान ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में नए बाघ अभयारण्य रिजर्व को मंजूरी दी है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यहाँ पे मध्य प्रदेश ने जो कि वन्य जीव बोर्ड ने यहाँ के मध्य प्रदेश राज्य में एक नए बाघ अभयारण्य यहाँ पे रिजर्व को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है आपका, तो यहाँ की राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो वन्य जीव बोर्ड ने आपके मध्य प्रदेश में नए बाघ अभयारण्य रिजर्व की मंजूरी दी है। तो ये भी एग्जाम के बेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, डी है, इनमें से कोई। हाल ही में पेंशन भोग लिए एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपके जितेंद्र सिंह ने किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पेंशन भोगी के लिए जो कि यहाँ पे जो पेंशन पाते हैं उनको लिए एकीकृत पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है, जो कि पेंशन से रिलेटेड यहाँ पोर्टल है। तो यहाँ पे जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में असम में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया है। तो एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है त्यौहार से क्वेश्चन आता है, तो आपको जो कटी बिहू त्यौहार कौन से राज्य से संबंधित है ऐसा करके पूछा जाता है, तो याद रखिएगा असम से संबंधित है, जो कि असम में यह जो आपका कटी बिहू त्यौहार यह रूप असम में मनाया जाता है। यहाँ के राज असम की बात करें तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर, हेमंत विश्व शर्मा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, और प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो बिहू त्यौहार कहाँ से संबंधित है? तो यहाँ आपके असम से संबंधित है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन आपका सब वेरियंट BQ1 का पहला मामला मिला है? तो मुंबई, चेन्नई, पुणे, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में
आपके पुणे में, भारत के पुणे में जो कि इस शहर में पुणे में ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम है सब वेरिएंट BQ1, तो पहला मामला कहाँ मिला है, तो आपके पुणे में मिला है। तो याद रखिए एग्जाम के वैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, पुणे में नया मामला देखा गया एग्जाम पे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।